हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में जियो फाई का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नंबर पे कैसे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको दोस्तों अपने कंप्यूटर में दोस्तों, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में दोस्तों, आपको दो चीज़ दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको दोनों में से एक चीज़ डाउनलोड करना होगा। जैसे दोस्तों, आप ब्लू स्टिक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में नॉक्स प्लेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लू स्टिक दोस्तों बिल्कुल नॉक्स प्लेयर की तरह ही वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको दोस्तों नॉक्स प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में दोस्तों इसे डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, और दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जियो वॉइस सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद इसे डाउनलोड करना है। अब दोस्तों, इसमें दोस्तों दिक्कत ये आती है दोस्तों कि इसमें दोस्तों आपको एक्सेसिबिलिटी जो है दोस्तों, एक होता है दोस्तों, जो आप सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, टॉल बैक ऑन करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों एक्सेसिबिलिटी के दोस्तों एक होता है दोस्तों एप्लीकेशन, उसको दोस्तों आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तभी दोस्तों आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से कहीं भी किसी नंबर पर जियो फाई का इस्तेमाल करते हुए कॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये सब कैसे होगा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे जियो वॉइस सर्च कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों इसे ओपन करना है आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोस्तों इसे ओपन कर दिया है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं कहीं भी कॉल करूंगा दोस्तों, तो आपको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों तो कॉल मेरा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में इसे डाउनलोड करते हैं, तो आपका अगर कहीं भी कॉल करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ बोलेगा अनलेबल अनलेबल, प्लीज़ इसको कॉन्फिगर कीजिए। ठीक है, यही बोलेगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों इसके सेटिंग में जाइए दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों मैं कहाँ की सेटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, इसका ये वाला सेटिंग जो है यहाँ पर आप ना जाइए, इसमें कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा तो शायद और भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको इसे दोस्तों ऑन कर लेना है, इस सेटिंग को दोस्तों। और दोस्तों इसमें जाना है दोस्तों आपको एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे, ये है देख सकते हैं दोस्तों एक्सेसिबिलिटी, इसे ऑन करना है दोस्तों। और जैसे दोस्तों आप इसमें आएंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टेल बैक में टेल बैक दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे दोस्तों, तो ये बोलेगा दोस्तों आपको प्ले स्टोर में दोस्तों डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से दोस्तों एक ये अप्लीकेशन बोलेगा जिसको दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तभी दोस्तों आपका दोस्तों डायरेक्ट वाईफाई से कॉन्फ़िगर हो पाएगा जियो वॉइस। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और यही दोस्तों और कुछ इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों आप समझ गए तो आप सिंपल तरीके से दोस्तों अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में दोस्तों कहीं भी दोस्तों जियो फाई का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए एक मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एक नंबर पे, यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अब यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अब यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मेरे जो मेरा फोन है दोस्तों, उसमें दोस्तों कॉल आ चुका है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे इसे रिसीव करके एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो 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 हेलो। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको कॉल को यहाँ पे कट कर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों कितने सिंपल तरीका से यहाँ पे कॉल हो चुका है। और इसमें दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों, बस यही है दोस्तों, आपको दोस्तों एक्सेसिबिलिटी में जाकर दोस्तों आपको जो एक अप्लीकेशन बोलेगा उस नहीं होगा यहाँ पे। ये जो प्रॉब्लम थी दोस्तों काफ़ी लोगों को दोस्तों, मैंने जब दोस्तों इसे इस्तेमाल किया तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, मैंने काफ़ी नेट पे सर्च किया पर कहीं नहीं मिला। खुद से दोस्तों इसमें कुछ दोस्तों इसमें इसके सेटिंग वगैरह में देखने के बाद मुझे दोस्तों पता लगा दोस्तों, और मैंने इसे डाउनलोड किया। उसके बाद मेरा भी यहाँ पे कन्फिगर हो गया और जियो वॉइस यहाँ पे काम करने लगा।
ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ दोस्तों और मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों। दोस्तों जब आप दोस्तों इसे कॉन्फ़िगर करेंगे दोस्तों, तो आपके दोस्तों जो भी दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा दोस्तों, उस पर एक OTP आएगा दोस्तों। जो OTP होगा दोस्तों, वो दोस्तों आपका कहाँ आएगा, ये दोस्तों एक जानने वाली बात है दोस्तों। ये जो OTP है दोस्तों, आपको पहले दोस्तों जब आप जियो फाइल लेंगे, तो उसमें आपको जो होगा आपका सिम, उसे दोस्तों अपने माई जियो ऐप में जाइए, ठीक है। और माई जियो ऐप में जाकर दोस्तों, ठीक है, उसे दोस्तों वहाँ पे एक होता है स्विच अकाउंट, ठीक है, लिंक अकाउंट, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए और अपने जियो फाई को दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अपने जो आपका अल्टरनेट मोबाइल में सिम है, उसे अपने जियो फाई के नंबर से कनेक्ट कर, उसे लिंक कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो दोस्तों, अगर आपका कनेक्ट ऐसे लिंक नहीं होता है, तो डायरेक्ट उस नंबर को ही वहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन दिया होता है, उसे ही आप उस नंबर को यहाँ पे लिंक कर लीजिए, ठीक है। और करने के बाद दोस्तों, जब आप यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आप डालिएगा, तभी दोस्तों आपका ये जो है कॉन्फ़िगर हो पाएगा, ठीक है। तो नहीं तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए दोस्तों आपका OTP नहीं आता है दोस्तों, तो एक बार इसे दोस्तों यहाँ पे कीजिए, OTP आ जाता है, उसके बाद उसे अपने सिम को फ़ोन में लगाइए और नंबर वहाँ पे जो OTP है नोट कर लीजिए, और फिर उसे सिम में लगा कर फिर वहाँ से उसे डालकर कॉन्फ़िगर कर दीजिए, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको काम आएगी जब आप ये इसे कॉन्फ़िगर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।